नजर आ रहा है? आज ऑनलाइन वाले कम आए हैं बच्चे, आप लोगों को पता चला है मिड्स का कब से? 5 जुलाई से, और ऑन कैंपस है ये भी पता है, क्या क्राइटेरिया है ये भी पता है, वैक्सीनेशन वालों के ठीक है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन्हें एग्जाम्स नहीं दिए जाएगा, अगर वो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं वो पास और फेल के ऊपर ही उनका सिर्फ असेसमेंट होगी, या वो पास होंगे या फेल, उनको मार्क्स इस तरह नहीं दिए जाएंगे, 50% तो उनको, अगर पास है तो 50% मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, फेल है तो फिर फेल, ठीक है, तो सिर्फ पास और फेल के ऊपर होगा अगर जिनका ऑनलाइन है एग्जाम, जिनको जो भी मसला है वो फिर डायरेक्टर साहब और जो भी है जाके उनसे पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई है एग्जाम की उनसे बात करना, कि जिनके कुछ मसले हैं कुछ अब्रॉड में हैं जो ऑनलाइन एग्जाम देंगे, या जिनका जो भी मसला है वो फिर क्लियर करें, लेकिन जो पॉलिसी आई है वो आप लोगों को हमने बतानी थी, तो 5th of July से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे और ऑन कैंपस होंगे, आप लोगों को चेक की जाएगी सारी इनकी वैक्सीनेशंस, और जो भी ऑनलाइन वाले हैं वो फिर इसी तरह पास और फेल पे होंगे, जो भी एग्जाम देंगे और वैक्सीनेशन नहीं है उनकी और ऑनलाइन देंगे तो उनका यही होगा फिर के या पास या फेल, ठीक है, फिर मार्क्स के ऊपर इनका होगा। अच्छा आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, 15-16 स्लाइड्स है, तो इसको कंप्लीट करते हैं फिर डिस्कस करते हैं कुछ बातें, आ जाए सारे। अच्छा पैटर्न मेरा होगा 20% आपका है मिड, ठीक है, आप लोगों के वैसे 10% मैंने असाइनमेंट का रखा था, 30 हो गए और आपका फाइनल 60% है, ये पता है ना आपको, जिसमें से 40% आपका रिटन एग्जाम होगा और 20% वाइवा होगा, ठीक है, वो 20 आपके मिड के, 80 एंड 20% जो आपके सेशनल है उनमें से 10 आपकी असाइनमेंट है, और 10 क्विज रखा था जो कि 5 हो गया था, और 5 जो मैं क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स दूंगी वो थोड़े से लेक्चर रह जाए जब एक या दो, फिर उसके बाद में स्टार्ट कर दूंगी आप अपना मिड्स से फारिग हो जाओ, मिड्स के बाद जो है ना या फिर एक दो लेक्चर रह जाएंगे उसमें ये कि ड्यूरिंग क्लास ही वाइवा होगा, एक दो क्वेश्चन सबसे पूछूंगी और क्या पार्टिसिपेशन रही है उनकी ड्यूरिंग आपके प्रैक्टिकल्स और उसमें भी, ठीक है, वो सारे मार्क्स इंक्लूड होंगे, मैंने कहा था जो खुद लेटा था उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, वो क्लास पार्टिसिपेशन में मिलेंगे, पेपर पैटर्न आपका मिड्स का है जिसमें एससीक्यूज भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे, और उन एससीक्यूज के अंदर में भी कोई लेबलिंग के लिए मैं डायग्राम दे दूं एससीक्यू इस तरह के हों, ठीक है, तो हर एससीक्यू क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लोगों ने उसका आंसर देना है, अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके अंदर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल पूछा व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट एजेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था, तो उसके आप देख लो कि 1 नंबर कॉन्ट्रास्ट एजेंट का हो जाएगा और 2-2 नंबर उनके टाइप्स के, तो इस तरह टाइप मतलब डिवाइड जो क्वेश्चन होगा उसको प्रॉपरली आप लोगों ने पढ़ना है और मार्क्स उसी तरह मैं दूंगी डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप 1-2 दे सकती हो एसईक्यूज के लिए और 1-2 डायग्राम शायद, ठीक है, अभी लेकिन एसईक्यूज में रेडी रहना कि शायद 1 या 2 डायग्राम में लेबलिंग के लिए दे दूँ, ठीक है, आपको डायग्राम आ जाएगी और क्लियर इमेज होगा और उसको आपने ना सिर्फ लेबल कर, ठीक, बाकी आपके एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा इसके अलावा छोटा सा लेक्चर है, मन का जल्दी से हो जाएगा 10-15 मिनट में कंप्लीट, और कुछ डिस्कस करना तो हम लोग लेट आए, हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्स के बारे में कि क्या पॉलिसी है मिड का, तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को, 5th से स्टार्ट है और ऑन कैंपस ही होंगे, जो ऑनलाइन दे रहे हैं उनके लिए पास और फेल की पॉलिसी है, या तो पास है या फेल है जो ऑनलाइन देंगे एग्जाम, ठीक है, जिनका कोई ना कोई मसला है इसलिए ऑन कैंपस ही आके दो जिन्होंने मार्क्स लेने हैं, अदरवाइज ऑनलाइन तो जिनके होंगे वो अगर अच्छे मार्क्स भी लिए तो 50% मार्क्स होंगे सिर्फ, ठीक है, तो वो चीज़ देख लेना अपने अपने जितने भी ये डोजेज वगैरह के सर्टिफिकेशन हैं वो यहाँ पे लेके आके आप लोग फिर अलाउड किए जाओगे एग्जाम्स के लिए। अच्छा इसके अलावा मिड्स का मैंने आपको बता दिया 20% है, फाइनल आपका 60% होगा, उसमें आपका एमसीक्यूज एसीक्यूज डायग्राम फाइनल का जो 40% होगा उसमें सब कुछ ही आएगा, मिड्स का शायद 1 डायग्राम आए, लेक्चर्स कितने हैं 20 लेक्चर्स हैं और 16 लेक्चर है, मैं बताता हूँ
आप साथ साथ तैयारी रखो, बहुत ज्यादा नहीं होगी, जितने आपके क्विज के आए थे उससे थोड़े से ज्यादा कर देंगे। बाकी लेक्चर से ज्यादा ना थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी रखा करो अपने फील्ड से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस में इसी तरह जनरल नॉलेज के उस पर भी दे देती होती हूँ कि उससे पता चलता है कि बच्चा कितना नंबर ले सकता है। नहीं सारे तो 4 GPA वाले नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा जो डिफरेंट होता है आपसे 4 GPA वाला बच्चा, वो इसीलिए होता है कि वो थोड़ा सा अपना उसकी स्टडी डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सा इधर उधर से सर्च करता है चीजें, बुक्स वगैरह देखता है। तो मैं कुछ इधर उधर से भी दे देती होती हूँ, तो उसके ऊपर परेशान ना हुआ करो, वो अच्छे बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करें, आज का टॉपिक है कॉन्ट्रास्ट एजेंट पे। कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स क्या होते हैं, हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं फ्लोरोस्कोपी में, हम डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग उसको पिला रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रास्ट हैं। और कॉन्ट्रास्ट बेसिकली है क्या वर्ड, अगर इस कॉन्ट्रास्ट एजेंट को छोड़ दो और सिंपल हम लोग जो रेडियोलॉजी के अंदर जिस तरह स्पेशल रेजोल्यूशन कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें भी हम कॉन्ट्रास्ट का वर्ड यूज करते हैं। व्हाट डज कॉन्ट्रास्ट मीन, वैसे जनरली पूछा जाए तो क्या होता है कॉन्ट्रास्ट। जब हम कहते हैं ना कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर, एक्सरेस के ऊपर, कि इसकी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, उसका क्या मतलब होता है? मैम हाईलाइट करने के लिए। नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट अभी तक नहीं पता आपको, व्हाट आर अभी तक रेडियोलॉजी। शेयर करना, बिल्कुल ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करना, दैट आर क्लोजली लाइज, ठीक है, विद इन दैट एफओवी, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू, इसके अंदर जो दो स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिकॉज ग्रे शेड्स हैं सारे और ग्रे शेड्स डिफरेंट होते हैं। आपको पता है कि हमारे आई सिर्फ 32 शेड्स को डिटेक्ट कर सकती है, और ग्रे के डिफरेंट ही शेड्स, थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा डार्क ही शेड्स है, ब्लैक हो गया, वो जो थोड़ा थोड़ा शेड्स डिफरेंट हो रहा है ना, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को बता रहा है आपको कि ये वाला ऑर्गन ये है, ये वाला ऑर्गन ये, जरा सा उसका कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट, दैट मीन्स जो हमारे दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम लोग, वो कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन है। जितना अच्छा हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उतनी अच्छी कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। ये रेडियोलॉजी के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, आप किसी भी मोडेलिटी के ऊपर चले जाओ, वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रास्ट। आप इमेजिंग के अंदर आओ, सब ब्लैक एंड व्हाइट आपकी दुनिया है, सारे मोडेलिटीज के अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही इमेजेस मिलेंगे। MRI ले लो, CT ले लो, सबके अंदर जो है, एक्सरेज ले लो, मैमोग्राफी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सबके अंदर ग्रे शेड्स के ही हैं, डिफरेंट डायनामिक रेंज जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे ग्रे शेड्स को अगर जो डिफरेंशिएट प्रॉपर कर पा रही है वो, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें इजीली नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इज बेटर, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो हम कहते हैं कि इसकी स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, उसका क्या मतलब है? मैम डिटेल रेजोल्यूशन, एबिलिटी टू विजुअलाइज स्मॉल स्ट्रक्चर, जितना भी एक पिन पॉइंट, जितना भी अगर उसके अंदर कोई एक स्ट्रक्चर था छोटा सा पड़ा हुआ था और आप उसको देख पा रहे हो उस मोडेलिटी के ऊपर, दैट मीन्स उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट ऑर्गन या कोई भी पार्टिकल को भी हम देख पा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स स्पेशल रेजोल्यूशन इज एक्सीलेंट। जब भी ये चीजें देखनी है रेडियोलॉजी में, इवन परचेज में भी, जब लोग आप लोग जाओगे या कभी गवर्नमेंट में जॉब होती है तो आप परचेज में भी बैठते होते हो, जो उधर जॉब कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि बट स्पेशल रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन, ये आप लोगों ने प्रेजेंट करना होता है। ये जितनी कंपनीज आती है ना जब गवर्नमेंट में आपको परचेज के लिए, तो आप लोग प्रेजेंटर्स होते हो, आप लोगों ने एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के उनको एक्सप्लेन करना होता है, बिकॉज यू आर द पर्सन जिन्होंने वहां पर बैठ के काम करना है, उन चीजों का पता हो, मोडेलिटीज का पता हो, रेजोल्यूशन का पता हो, आर्टिफैक्ट्स का पता हो, ठीक है। फिर इवन के उस मोडेलिटी पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू आर द पर्सन जिन्होंने बताना है इंजीनियर्स को कि ये मसला आया, ये मसला आया, ये मसला आया, ठीक है। तो थोड़ा तो आप लोगों को भी पता होता है कि ये चीज मशीन की फॉल्ट है या आपकी फॉल्ट है या जिसकी भी है, तो आप आधे इंजीनियर हो आधे डॉक्टर्स हो, या आपकी फील्ड जिस तरह की ना, मिक्सअप ऑफ डॉक्टर एंड इंजीनियर है। इंजीनियर इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग डॉक्टर्स को फिजिक्स नहीं पता होती, ठीक है, उनको सिर्फ क्लिनिकल ज्यादा पता होता है। आप लोगों को फिजिक्स भी पता है, आप लोगों को क्लिनिकल भी पता है, फिजिक्स सिर्फ इंजीनियर्स को पता होती है, उन्हें क्लिनिकल नहीं पता होता। देखो डॉक्टर्स अलग, इंजीनियर्स अलग, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, उन्होंने क्लिनिक, आप लोगों ने दोनों पढ़ा है। आप लोगों को मशीन की फिजिक्स के बारे में भी पता है, कैसे इमेज क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं एक मशीन के, ठीक है, किस तरह प्रोडक्शन होती है उस इमेज की, ठीक है, वो कौन सी सोर्स होती है, वो किस तरह प्रोड्यूस होके, ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली तो एक इंजीनियर्स का काम है मशीनों के बारे में
लेकिन वो आप लोगों को भी पता है, फिर आप लोगों को क्लिनिकल भी पता है, तो आप समझो कि आप इंजीनियर भी हो और डॉक्टर भी हो, ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों के पास नॉलेज है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की। अब हमें पता चल गया है कि दो स्ट्रक्चर्स को जो इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहा है उसको हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो एजेंट्स वो जो कि हम लोग एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर, और वो आपके दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करता है, हाईलाइट करता है और बताता है कि ये स्ट्रक्चर और है, ये स्ट्रक्चर और है। हम एक्सरेज के अंदर जब पढ़ते हैं, एक्सरेज के अंदर जब देखा होगा आपने, आपको सिर्फ और सिर्फ बोन्स नजर आती हैं, आपको सॉफ्ट टिश्यूज क्लियरली नजर नहीं आते। फॉर डैट हम लोग क्या करते हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको हाईलाइट करने के लिए, उनका कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए हम उनको एजेंट्स कुछ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप के एजेंट्स होते हैं और वो किन पर्पज के लिए हम लोग जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। फॉर द GI ट्रैक हम लोगों ने पढ़े थे कि डिफरेंट आपको उनको डिवाइड किया गया पूरे GI ट्रैक को, अपर GI को अलग से, इसको बेरियम स्वालो कहते हैं, मील अलग, वो स्टमक के लिए, पूरे GI ट्रैक को चार हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ, डिफरेंट नेम दिए हुए हैं उसके, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इन कॉन्ट्रास्ट को डिफरेंट टाइप्स से इंजेक्ट भी किया जाता है, इंट्रोड्यूस भी, किसी के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, किसी के अंदर जो है वो पेशेंट को ऑरली पिलाया जाता है या फिर ऑरली उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। तो वो किन उसके अंदर इस तरह होता है वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गए कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट एजेंट। इसकी डेफिनेशन अगर मैं पूछूं पहले, तो आपको कॉन्ट्रास्ट का पता होना चाहिए, एंड देन कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स क्या है। टू डिस्टिंग्विश एडजेसेंट टिश्यूज ऑन सीटी या टिश्यूज मस्ट हैव डिफरेंट डेंसिटीज या अटेन्युएशन। आपको पता है व्हाट इज अटेन्युएशन, एब्जॉर्ब करना उसको, जो भी अटेन्युएट हो रहा है, जितनी भी वेव्स हैं उसको एब्जॉर्ब करना, कितनी स्कैटर्ड हो गई है, कितनी एब्जॉर्ब हो गई है, कितनी पास हो गई है, दिस इज अटेन्युएशन, ठीक है। तो आप सिटी के इमेजेस या किसी के अंदर भी इमेजेस जो दो टिश्यूज को डिफरेंशिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज। अब हम लोग जब भी इमेज बनाते हैं और इमेज को हम यूं बताते हैं ना, कुछ इमेज हमारे पास व्हाइट नजर आते हैं, कुछ ब्लैक नजर आते हैं, कुछ ग्रे, वो इसलिए कहते हैं कि उनके डिफरेंट डेंसिटीज हैं, ठीक है। वो उन डिफरेंट डेंसिटीज के अकॉर्डिंगली अपनी जो भी उसकी सोर्स है, कुछ अल्ट्रासाउंड की सोर्स है, कुछ वेव, कुछ एक्सरेज की सोर्स है, वो एब्जॉर्ब करता है। वो एब्जॉर्ब करना दैट इज अटेन्युएट, ठीक है। वो अटेन्युएशन के थ्रू इमेज बनाता है, जितने ज्यादा जिसने अटेन्युएट किया होगा वो इमेज अकॉर्डिंगली उस तरह होगा, ठीक है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड के ऊपर है कि जितना ज्यादा उसने अब्सॉर्ब किया होगा, अटेन्युएट किया होगा, वो क्या होगा, वो उसके अंदर से साउंड वेव्स पास की हुई है तो हमें वो ब्लैक इमेज नजर आता है। हमें पता है वो फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो अब्सॉर्ब नहीं करते, अटेन्युएट नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर में से पास ही नहीं कर पाती है, वो रेडिएशन है या फिर साउंड वेव है, ठीक है। वो कौन से स्ट्रक्चर्स है, वो कोई हार्ड स्ट्रक्चर्स है बॉडी के अंदर, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू उसकी डेंसिटी, ठीक, फिर अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी हम कहते हैं कि कुछ हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, वो थोड़े से डेंस, लिवर थोड़ा ज्यादा डेंस होगा, किडनी उससे कम होगा, पेंक्रियास, स्प्लीन, अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी डेंसिटी अकॉर्डिंग, जितनी डेंसिटी होगी, जितना डेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग भी उसने अटेन्युएट करना, वो अटेन्युएट करेगा तो हमें इमेज वैसा नजर आएगा, या ब्लैक नजर आएगा या व्हाइट नजर आएगा, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश एडजेसेंट टिश्यूज ऑन सिटी इमेजेस, द टिश्यू मस्ट हैव डिफरेंट डेंसिटीज दैट आर अटेन्युएशन। वो डेंसिटीज क्या है, वो अटेन्युएशन है, वो उनकी एब्जॉर्बिंग पावर है, ठीक है। जितनी ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, दीज वेरिंग डेंसिटीज विल रिजल्ट इन डिस्टिंक्ट सिटी नंबर, जो कि आपने सिटी में पढ़े थे, हॉर्नफील्ड यूनिट्स और डिफरेंट एयर के कितने होते हैं, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, डिफरेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे, सिटी नंबर उनको कहते हैं, विच प्रोड्यूस एन इमेज दैट क्लियरली डिस्प्लेस द डिफरेंट टिश्यूज। इन चेस्ट इनहेरेंट कॉन्ट्रास्ट इज हाई विच अलाउ इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। सच लेवल ऑफ इनहेरेंट कॉन्ट्रास्ट इज नॉट प्रेजेंट इन अदर एरियाज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने विंडो विड्थ और विंडो लेवल का पढ़ा था ना, वो ज्यादातर चेस्ट के अंदर यूज किया जाता है, बिकॉज वी वॉन्ट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। उसके अंदर अब लिवर सॉरी चेस्ट के अंदर क्या है, लंग्स पड़े हुए, और लंग्स के अंदर हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा चाहिए। वैसे तो हमें लंग्स किस तरह एक्सरेज पे नजर आते हैं, सिंपल ब्लैक, और कुछ भी चीज नजर नहीं आती है कि लंग्स के अंदर है क्या क्या, ठीक है। उसके अंदर वेसल्स हैं, उनको हम लोगों ने हाईलाइट करना है, फॉर डैट हम लोग क्या करते हैं, उनको कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स देंगे तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज का एक्सरे के ऊपर सिंपल ब्लैक ही नजर आ रहे होते हैं आपके पास। फिर उसके अलावा हम लोग इनके लेवल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट लेवल, ये विंडो विड्थ और विंडो लेवल वाले वही चीज है। चेस्ट के अंदर वी रिक्वायर्ड मोर कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज उधर स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट से लेकर आप समझ लो कि
एयर भी है, डेट इज एक अलग, एक साइड के ऊपर से रिब्स आ गई, एक अलग व्हाइट कलर, ठीक है, एक साइड से एक दूसरी साइड पर रेंज एक बढ़ जाती है, तो उसमें हमें कॉन्ट्रास्ट भी उतना ही चाहिए। एक व्हाइट साइड है और एक बिल्कुल ब्लैक साइड है, इंटरमीडिएट ग्रे स्ट्रक्चर तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, वो हमें वैसे ही, आपको पता है कि पूरे लंग के अंदर कोई है सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, या तो फिर हमारे पास वेसल्स हैं, या फिर हमारा जो लंग का जो पैरेंटाइम है वो तो वैसे ही सारा एरियोला एल्विओलाई जो है उसके अंदर जितने भी हैं वो एयर सैक्स हैं सारे, ठीक है, तो एयर है सारी, या फिर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कोई पैरेंटाइम है जिसका हम जिसका लिवर का है या लंग्स के अंदर नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर या तो हम बिल्कुल पीक पे चले जाते हैं एक तरफ या दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो वी वॉन्ट कॉन्ट्रास्ट जिसको वो डिफ्रेंशिएट कर पाए वेसल्स को और उसके एयर को, ठीक है। एंड ऑरल और इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इज ऑफन यूज टू क्रिएट अ टेम्पररी आर्टिफिशियल डेंसिटीज डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हुए आर्टिफिशियली हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए हमने देखना वहां पे कुछ सॉफ्ट टिश्यू भी पड़ा हुआ है, फॉर दैट हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो कि हमें बताएगा कि ये स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है, ये स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर की पैथोलॉजी होगी तो हम उसी वक्त उसको रूल आउट कर सकते हैं, कोई ल्यूमन है वो नैरो हुआ हुआ है तो कॉन्ट्रास्ट उसके आगे जाएगा नहीं, हमें पता चल जाएगा इससे आगे नहीं जा रहा है, परफोरेशन है तो दैट मीन्स वो वहां से कॉन्ट्रास्ट निकल रहा है, ठीक है, परफोरेट हुआ हुआ, ये चीजें हमें वैसे नॉर्मली उसके ऊपर एक्सप्रेस के ऊपर नजर नहीं आएंगी, ठीक हो गया। The goal is to give different tissues which would normally have similar attenuation, different attenuation coefficient, making them more readily visible on the image. ठीक है, वो हम artificially खुद उनको उनकी densities different करेंगे ताकि उनकी attenuation different हो और वो हमें image different नजर आए, different हमें colors नजर आए उसको। ठीक है, contrast materials are not dyes that permanently discolor internal organs. They are not dye के हमने color दे दिया और वो हमेशा ही वैसा ऑर्गन जो है वो फिर नजर आएगा हमें, व्हाइट अगर है तो व्हाइट ही हमेशा नजर आएगा, नो दे आर नॉट डाई, ये हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दे हैव टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज सून एज पॉसिबल, उसके कुछ रिएक्शंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे आज, ठीक है, क्या रिएक्शंस हैं कॉन्ट्रास्ट के, तो इनको हम फॉर शॉर्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इमेज लेते हैं एंड देन कोशिश करते हैं वो एजेंट्स दें जो एज सून एज पॉसिबल बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। Contrast materials enters the body in of three ways. They can be swallowed, जो कि हम लोग barium के अंदर देते हैं ज्यादातर, barium meal के अंदर, barium swallow के अंदर और barium follow through के अंदर, ये तीन के अंदर तो हम दे रहे हैं इनको orally, ठीक। दूसरा administered by the enema given rectally, जो कि barium enema के अंदर हम through rectum जो है introduce करवाते थे contrast, ठीक। और तीसरा क्या है, injection, injected जो होते हैं, ठीक है, injected into the blood vessel, vein or artery also called given intravenously or intra-articularly, ठीक है। तो तीन administrations आपको पता होंगी आपके contrast की कौन कौन सी, number one is the orally, number two is the through rectum हम लोग transrectally and number three is intravenously या intra-arterially हम लोग जो है administered करते हैं, these are the administrations of the contrast। अब contrast दो टाइप के होते हैं, number one is the positive contrast and number two is the negative contrast। वो कौन से contrast है जिनको हम positive कहेंगे, कौन से हैं जो negative कहेंगे। जो contrast हमारे पास structures जो हैं वो white, पहले अपनी wording में जो white contrast नजर आ रहा है image, वो हमारे पास positive है, ठीक है, वो हमें white structure, अगर हमने जिस तरह barium डालते थे, barium introduce करवाया, ठीक है, body के अंदर, तो वो हमें white नजर आएगा ना contrast, उसको कहते हैं positive। अगर हमें कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करवाया है और ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव। और वो कौन सा है, हमने बेरियम में ही पढ़ा था, हम डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज करते थे जिसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस करवाते थे, ठीक है, एयर भी एक उसी तरह काम करेगा कॉन्ट्रास्ट एजेंट के ऊपर ही, वो हमें ब्लैक नजर आएगा स्ट्रक्चर जो कि ब्लैक हाईलाइट हो रहे हैं, वो डबल कॉन्ट्रास्ट अलॉन्ग विद द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट, हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बट अलॉन्ग नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट अलोन नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट हमारे पास क्या होगा, इमेज ब्लैक नजर आएगा, जो स्ट्रक्चर्स हमें ऑलरेडी व्हाइट नजर आ रहे हैं उसके अंदर हमने कॉन्ट्रास्ट ताकि उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, व्हाइट के अंदर व्हाइट ही इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमने तो कॉन्ट्रास्ट बनाना है ना, कॉन्ट्रास्ट एजेंट डिफ्रेंशिएट करना है दो स्ट्रक्चर्स को, तो हम क्या करेंगे उसके ऑपोजिटली उसको वो देंगे कॉन्ट्रास्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो उनके टाइप्स क्या है, पॉजिटिव क्या होते हैं, व्हेन द एजेंट इज ऑफ हायर डेंसिटी देन द स्ट्रक्चर इट इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। एग्जांपल इसके अंदर आयोडीन वाले या बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट तो आपको पता है बेरियम के जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर वो दिए जाते हैं, और आयोडीन जो होते हैं वो उसमें नॉन आयनिक आयनिक जो है वो आगे पढ़ते हैं कि वो कौन से होते हैं, और नेगेटिव हमें पता है
कि एयर या कार्बन डाइऑक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, और ये क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी लोअर होती है देन द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, इट इज रेफर्ड टू एज अ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट. समटाइम्स एरियम सॉरी एयर एंड बेरियम आर यूज टूगेदर, जिसको हम डबल कॉन्ट्रास्ट जो बेरियम एनीमा के अंदर या फिर मील के अंदर भी देते हैं, जस्ट टू हाईलाइट द क्या डबल कॉन्ट्रास्ट किस में देते हैं, क्यों मैं पूछ रही हूँ, क्या लाइनिंग, ठीक है, इंटेस्टाइन की उसकी स्टमक की लाइनिंग को, म्यूकोजल लाइनिंग को हम लोगों ने देखना हो, उसको रीड करना हो, तो उसके लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं. व्हाट इज डबल कॉन्ट्रास्ट, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट जिसके अंदर ब्लैक और व्हाइट दोनों हमें नजर आते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, जो पॉजिटिव एंड जो व्हाइट हमें नजर आ रहे हैं इसके ऊपर, दे आर आयोडीन एंड बेरियम सल्फेट, एंड नेगेटिव एयर या कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एज क्या उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इनो या जो भी हमारे पास एजेंट होता है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, ठीक है. एक तरफ देखो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ नेगेटिव. पॉजिटिव के अंदर आपको वो स्ट्रक्चर व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे हमें जो है वैसे नॉर्मली एक्सरे पर नजर नहीं आती, उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट डाला है तो सारे जो है ना व्हाइट ट्यूब्स हो गए हैं, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट. और इस तरह देखो तो इसके अंदर एयर इंट्रोड्यूस करवाई हुई है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये सारी जो है वो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट की वजह से ऐसा इमेज है, ठीक है. दोनों इमेज को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, वन इज द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एंड अदर वन इज द नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट. This is the example of double contrast barium enema, जिसको हम DCBE भी कहते हैं, ठीक है. What is DCBE? Double contrast barium enema. Through rectum contrast inject किया, administered किया, ठीक है, और उसने large intestine को highlight कर दिया, and आपको सिर्फ white नजर नहीं आ रहा intestine के अंदर, जो large intestine है उसके अंदर आपको black और white दोनों structures नजर, मतलब वो highlight किया हुआ उसने, ठीक है, black भी है और white भी है, ठीक है, ये सारे वाइट है, इस तरफ सारे एयर की वजह से आपको ब्लैक भी नजर आ रहे, पूरी ट्यूब वाइट नहीं है, ठीक है. दिस इज द डबल कॉन्ट्रास्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. फिर आज जो हमारे पास आयोडिनेटेड, जो भी हम लोगों ने बेरियम के साथ आयोडीन वाले जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, व्हाट आर आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ये कौन से होते हैं, ये आगे दो में डिवाइड हुए, एक आ गया आयोडिनेटेड हो गया, एक आपके पास आ गया नॉन आयोडिनेटेड. अब हम लोग देख रहे थे जो हमने बेरियम सल्फेट है, ऑब्वियसली वो हमारे नेम्स ही बता रहे हैं, दे आर बेरियम सल्फेट, इसके अंदर आयोडीन नहीं होगा, दे आर नॉन आयोडिनेटेड, और आयोडीन वाले कौन से हैं, जो कंटेन्स कर रहे हैं, दे कंटेन्स आयोडीन, ठीक है, बस इतना याद रखो. अब आ गए हमारे पास इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट, जो कि हम क्या कर रहे हैं, उनको इंजेक्ट कर रहे हैं. आयोडिनेटेड एजेंट्स आर खुद ही चलना जाएगा मेरे, आपको आ रहा था नजर, वो जो एक स्क्रीन नहीं, वो मेरे इधर कंप्यूटर के ऊपर वो आ गया था, कुछ पता नहीं क्या. अच्छा, आयोडिनेटेड एजेंट्स आर यूनिवर्सली यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन बिकॉज दे आर वाटर सॉल्युबल एंड इजी टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली. मेरा कंप्यूटर भी बंद हो जाता है, ठीक है, एंड हैव हाई सेफ्टी इंडेक्स, दैट मींस, चलो यहाँ से करा देते हैं, तो बार बार बंद हो रहा है, ठीक है, दैट मींस हम लोगों ने क्या करना है, उसको आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स वो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होंगे और वो ब्लड के अंदर जाएंगे ना, तो वो जितनी जल्दी एक्सक्रीट हो सके बेहतर है, ठीक है. एक तो हमारे रेक्टम में और हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा वो तो एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो ब्लड में जाता है आपको पता है वो ब्लड में सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया में नहीं जाएगा, वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में. एक दफा जिधर जिधर ब्लड गया, हार्ट में गया, जिधर जिधर वो गया उसने कॉन्ट्रास्ट ने उधर उधर जाना है, ठीक है, हर ऑर्गन को जहाँ पे ब्लड सप्लाई मिल रही है उस समझो कि उसके अंदर भी उसने कॉन्ट्रास्ट में जाना है, ठीक है. तो हम लोगों ने उसको जो है बहुत केयरफुली जो है इंजेक्ट करना है, वो कॉन्ट्रास्ट जो कि नॉन एलर्जिक हो, कौन से हैं, वो आयोडिनेटेड एजेंट्स भी हो सकते हैं, वो नॉन आयोडिनेटेड भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है. इसमें क्या है, बंद ही हो गया, ठीक है. तो हमारे पास वाटर सॉल्युबल जो इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, दैट आर एडमिनिस्टर्ड वाया वेन्स, या ये इंट्रावेनस है तो वेन्स के थ्रू ही इंजेक्ट किया जाएगा, जो इंट्रा आर्टेरियल होता है वो आर्टरी के थ्रू जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडिनेटेड एजेंट्स, इंट्रावेनस
इंट्रावेस्कुलर कॉन्ट्रास्ट मटीरियल्स हैज हाई टैनुएशन कंपेयर्ड विद द ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यूज. अब इसका क्या मतलब हो गया हाई टैनुएशन का? हमें कॉन्ट्रास्ट जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जितनी ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा वो उसके अंदर वो उस टैनुएशन पावर ज्यादा होगी, वो हमें इमेज वाइट नजर आएगा. ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट जितने भी हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? हाईली अटैनुएटेड होते हैं. ठीक है, उसके अंदर अटैनुएशन पावर ज्यादा होती है. वो जितनी भी हमारे पास सोर्स है, एक्सरेज हो गई, या उसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर भी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किए जाते थे, लेकिन अब जो है वो उसका सॉफ्टवेयर बना दिया गया, सिर्फ बटन वो प्रेस करो. जो मैंने आपको कलर मैपिंग दिखाई थी, शायद देखी हो आप लोगों ने, कलर मैपिंग के अंदर क्या होता है, वो इसी तरह का इमेज दिखा रहा होता है जैसे कॉन्ट्रास्ट के अंदर होता है, जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास. अच्छा, आप इंट्रावेनसली इंजेक्ट करने का मकसद ये है कि एक जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल हमें पता है यहाँ पे कुछ ट्यूमर वगैरह है. ठीक है, हमने ब्रेन में सिटी में एमआरआई के अंदर कोई ट्यूमर नजर आया, उसमें हमारे पता है ट्यूमर के अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा जाएगा. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा जाएगा तो वो स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास हाईली अटैनुएटेड है, दे विल अपियर वाइट ऑन इमेज. ठीक है, कोई भी इमेज होगा. ठीक, तो हमारे पास इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स हैज हायर अटैनुएशन कंपेयर्ड विद द ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यूज. ठीक, क्यों? क्योंकि वो फिर हमारे पास हाईलाइट होगा, अटैनुएशन ज्यादा होगी तो वाइट नजर आएगा, जो ह्यूमन बॉडी में ग्रे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं उससे डिफरेंशिएट होगा. अच्छा, हाई एटॉमिक नंबर होता है इसका, इसीलिए इसकी हाई अटैनुएशन है, दैट इज 53 एटॉमिक नंबर, याद रखना बस इसका, आयोडीन का. ठीक, फिर आयोडीन एटम्स इन द कॉन्ट्रास्ट मटीरियल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन अटैनुएशन, ये हम बात कर चुके हैं. Adding an iodinated agent to the bloodstream will temporarily increase the beam attenuation ability to the blood. क्या मतलब? Blood के अंदर पहले जो उसकी attenuation थी उसको increase कर दिया है by administering that contrast agent. ठीक है, उसने अब उसको absorb ज्यादा करना है, उसने जो भी हमारे पास source आ रही है उसको absorb ज्यादा करना है. पहले blood में जो थी, blood के अंदर attenuation कम थी. ठीक है, अब हमने contrast उसके अंदर आ गया, blood stream के अंदर contrast है, अब उसकी attenuation बढ़ गई है. ठीक है, अटैनुएशन बढ़ने से उसकी डेंसिटी बढ़ेगी और हमें इमेज जो है वो उससे डिफरेंशिएट किया हुआ नजर आएगा. स्ट्रक्चर्स विद एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई शो एन इंक्रीज इन अटैनुएशन. अच्छा, टू टिश्यूज मस्ट डिफर बाय एटलीस्ट 10 हाउसफील्ड यूनिट टू बी विजिबली डिफरेंट ऑन सीटी स्कैन. सीटी स्कैन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स का अगर इतना डिफरेंस है 10 हाउसफील्ड यूनिट का, तब वो डिफरेंशिएट हो पाएंगे. वैसे तो आपको पता ना एयर का कितना होता है और एक तरफ हमारे पास बोन का कितना होता है, कितना ज्यादा रेंज है, लेकिन ग्रे के डिफरेंट शेड्स हैं और ग्रे के शेड्स का मिनिमम 10 हाउसफील्ड यूनिट का डिफरेंस होना जरूरी है तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे दो स्ट्रक्चर जो ग्रे के स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैन इजिली प्रोवाइड 40 to 75 हाउसफील्ड यूनिट इंक्रीज इन नेचुरल डिफरेंस of attenuation between the tissues that makes the वही हाउसफील्ड यूनिट की बात है कि हम लोग एटलीस्ट मिनिमम इतना होना चाहिए कि हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर पाए और जो है 40 to 75 के अंदर जो है हम उसको इजिली डिफरेंशिएट कर पाते हैं. ठीक है, एक ह्यूमन आई बता सकती है कि अगर इतना डिफरेंस है तो दिस इज दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज दिस स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर्स का डिफरेंशिएट. कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैव नो थेरेपेटिक पर्पज, ओनली यूज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज. इसका कोई थेरेपी की सिर्फ हम लोग डायग्नोज करते हैं इसमें डिफरेंट डायग्नोसिस पर्पज के लिए. कौन कौन सी डिजीजेज है जिनको हम कॉन्ट्रास्ट पे इनको कहते हैं कि हम भाई कॉन्ट्रास्ट वाले ही स्टडी करेंगे. क्या पेशेंट प्रेजेंट होगा? जितने भी कैंसर हम लिवर में नहीं है, क्योंकि एमआरआई जो है सीटी हम करते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट हम इंजेक्ट करते हैं और डिफरेंट बॉडी जहां पे हमें ब्लड सप्लाई, हमें पता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जब ट्यूमर्स बनते हैं तो उनके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है ना. ठीक है, तो अगर हमने डिफरेंशिएट करना और मैस हमें नजर आ रहा है, दैट मैस माइट बी ऑफ मेलिग्नेंट या बेनाइन. ठीक है, अगर मेलिग्नेंट है तो उसके अंदर ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी. ठीक है, मैस तो पहले हमें नजर आ गया कि मैस है, कोई भी मैस हो सकता है. ठीक, अब हमने मेलिग्नेंट को रूल आउट करना है तो उसके अंदर हम उसको कॉन्ट्रास्ट देंगे. वो कॉन्ट्रास्ट अगर उस ट्यूमर के अंदर भी जा रहा है, बिकॉज ब्लड के थ्रू कॉन्ट्रास्ट जाएगा ना. ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो ट्यूमर जो है वो हाईलाइट नहीं होगी. ठीक है, उसके अंदर नहीं जाएगा कॉन्ट्रास्ट, दैट मीन्स वो बिनाइन ट्यूमर है. अगर उस ट्यूमर के अंदर भी चला गया और ट्यूमर हाईलाइट हो गया, दैट मीन्स वो मेलिग्नेंट है, क्योंकि ब्लड सप्लाई थी अंदर उसको और ब्लड के थ्रू ही तो कॉन्ट्रास्ट किया. ठीक हो गया. और दूसरा क्या है, बेरियम के जितने भी स्टडीज हैं जहाँ पे हमने रूल आउट करना है कोई स्ट्रिक्चर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, पेशेंट उस कंप्लेन के साथ आया है कि उसको कोई भी हो सकती है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन,
हम कह सकते हैं कि यार ये कंप्लेन के साथ पेशेंट आए, माइट भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है. वो ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए. फिर उसके अलावा ट्यूमर्स हो गए, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, परफोरेशन हो गए, फिस्टुलाज हो गए, ठीक है. क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे के साथ यूनाइट कर जाता है तो उसको फिस्टुला कहते हैं, ठीक है. फिस्टुला को देखने के लिए एक स्ट्रक्चर में हमने कॉन्ट्रास्ट दिया, वो जा रहा है उसके जो फिस्टुला बन गया उसके थ्रू, उसके जो एक समझ लो ब्रिज सा बन गया पीछे किसी और स्ट्रक्चर में, वो कॉन्ट्रास्ट भी जा रहा है, डेट मीन्स का फिस्टुला बना हुआ, ठीक है. ये सारी चीजें देखने के लिए. फिर उसके अलावा गायनी के अंदर जो हमें स्ट्रक्चर वैसे ही नजर नहीं आते, फिलोपियन ट्यूब नॉर्मली नजर नहीं आती, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स को देखने के लिए. उनकी इनफर्टिलिटी अगर कोई पेशेंट के कंप्लेन के साथ आया है तो वी हैव टू रूल आउट कि वो पेटेंट है कि नहीं है फिलोपियन ट्यूब, उसको देखने के लिए, ठीक है. दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स. तो ये हम लोग जो करना डायग्नोज करना, ये थेरेपी के लिए नहीं है, थेरापेटिक पर्पज के लिए नहीं. अच्छा, फिर हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम लो ऑस्मोलर. व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, फिजिक्स क्वेश्चन है, किसी को पता है ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? हाँ, किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होता है जब, तो उसको हम कहते हैं कि वो जितनी ज्यादा उसकी डिसॉल्विंग होगी उतनी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो सकती है, ठीक है. तो यही है, ऑस्मोलैरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट मीडियम दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन पर यूनिट लिक्विड एज कम्पेयर विद द ब्लड. ये ऑस्मोलैरिटी का तो हम लोग फिजिक्स में भी फैक्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि कितना सॉल्वेंट जो है वो जो भी पार्टिकल्स है उस वो जो है सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट जो है लिक्विड में कितना डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है. जितना ज्यादा उतनी अच्छी ऑस्मोलैरिटी, ठीक. तो हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडियम कौन से होंगे? विच हैव एज मच एज 7 times द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड, हाई ऑस्मोलर. लो ऑस्मोलर हैज रफली 2x द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है. कॉन्ट्रास्ट मीडिया दैट इज आइसोमोलर हैज द सेम ऑस्मोलैरिटी, आइसो है सेम होगी एज द ब्लड. द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली 290. ये सिर्फ आप लोगों ने ये याद कर लो कि कितने कितने पर केजी जो है इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू ब्लड ये 2x होगा या उससे बहुत ज्यादा. हाई ऑस्मोलर नेम से ही बता रहा है, इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा ब्लड स्ट्रीम की, ठीक है. विस्कोसिटी क्या होती है? थिकनेस या जितना विस्कस होगा, ठीक है, उसको भी कहते हैं विस्कोसिटी को भी. विस्कोसिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट मीडिया. इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ थिकनेस और फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड एज इट फ्लोस. द ब्रांड टेम्परेचर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स इट्स विस्कोसिटी, ठीक है. कॉन्ट्रास्ट एजेंट इतने टाइम से पड़ा हुआ है, जो बेरियम था उसकी विस्कोसिटी डिफरेंट हो गई, पड़े पड़े वो विस्कस हो गया थोड़ा, ठीक है, जो लिक्विड था, ठीक है. यहाँ पर कोई टेम्परेचर ऐसा है वो गर्म इन्वायरमेंट में पड़ा रहा इफेक्ट करेगी उसकी विस्कोसिटी, ठीक हो गया. अब हमारे पास कुछ आते हैं आयनिक या नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स. वो कौन से होते हैं आयनिक या नॉन आयनिक? नेम से बता रहे हैं, जो इंजेक्ट करते साथ ही आइंस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, आइंस बना देंगे. दे आर आयनिक कॉन्ट्रास्ट. जो नॉन आयनिक है वो इंजेक्ट करेंगे लेकिन आइंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दे आर नॉट, ठीक है. तो आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल डिसोसिएट इनटू आइंस व्हेन इन सॉल्यूशन एंड द मॉलिक्यूल्स कंटेन्स बंद हो रहा है. इन नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया डू नॉट डिसोसिएट. नेम्स ही बता रहे हैं व्हाट आर नॉन आयनिक एंड आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स. अच्छा, क्लियरेंस क्या है इनकी? तो वंस इंजेक्टेड हाउ दे क्लियर फ्रॉम द बॉडी. वंस इंजेक्टेड ऑल टाइप्स ऑफ आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया अंडरगो वेरी रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एंटायर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. जैसे ही वो गया आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो हमारे सेल्स में गई और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जहाँ पे क्या होता है हमारा फ्लूइड होता है जिसको कौन समझ लो एक्सक्रीट करता है हमारी बॉडी का, लिम्फ नोड्स होते हैं ना, लिम्फेटिक सिस्टम जितना है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ही निकालता है ना, सारा लेकर जाता है, ठीक है. तो वो हमारा एक तरह से एक्सक्रीटरी पर्पस के लिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जाएंगे, ठीक है. दे डू नॉट मेटाबोलाइज एंड नॉट एंड आर एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी नियरली एक्सक्लूसिवली बाय द किडनी. अच्छा, एक्सक्रीशन का मैं बता रही थी एंड आर एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी नियरली एक्सक्लूसिवली बाय द किडनी वाया
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हमारा किडनी का एक्सक्रीटरी प्रोसेस है, हमारे यूरिन के थ्रू, आप इन शॉर्ट समझ लो कि यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट है वो थ्रू यूरिन जो एक्सक्रीट होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी इसको ये आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट को, हम कहते हैं कि पेशेंट को आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा यूरिन आए और जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो सके, बिकॉज वी नो कि ये किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होगा। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, आप लोगों ने वो पढ़े न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर डिफरेंट हाफ लाइफ पढ़ी होंगी, पढ़े हाफ लाइफ का क्या मतलब है? मैम हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी कंट्रास्ट एजेंट जैसे यहाँ पे है तो वो कितनी देर तक जो है वो अपना अफेक्ट शो करेगा, जितनी उसकी हाफ लाइफ होगी उतनी देर तक जो है वो अपना मतलब हाईलाइट करेगा या डिफरेंशिएट करेगा, हो जाएगा कितने टाइम तक वो उसका हाफ लाइफ होता है। समझो एक जो है हमने इसको कंट्रास्ट जो है वो इंजेक्ट किया था और वो 2 घंटे तक जो है वो सिर्फ हाफ जो है वो एक्सक्रीट हुए, तो उसका हाफ लाइफ कितना हुआ, 2 आवर्स का। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या है, हाफ टाइम या हाफ लाइफ डिफरेंट, हम लोग जो आइसोटोप्स भी इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर रेडियो आइसोटोप्स जितने भी, उनकी भी हाफ लाइफ देखी जाती है कितने टाइम तक जो है वो एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, वो बॉडी के अंदर उसका हाफ लाइफ देखते हुए बहुत जरूरी होता है, उसका हाफ लाइफ टाइम इट टेक्स फॉर द हाफ ऑफ द डोज टू एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, हाफ ऑफ द डोज। ठीक है, इन पेशेंट्स विद नॉर्मल रीनल फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, नॉर्मल रीनल फंक्शन के अंदर नॉर्मली 2 आवर्स के अंदर हाफ जो है वो उसका एक्सक्रीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए इससे पहले पहले जितना भी अगर कोई एग्जामिनेशन ज्यादा लंबी है तो हम करते हैं कोशिश को उसको उतने, आपको फिर इतना पता चलेगा कब आपने एडमिनिस्टर किया है और कब तक जो है उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी। हाफ लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमने स्कैन करना होता है, कब तक हम जो है वो उसका स्कैन कर सकेंगे, कब तक जो है वो हम उसको वेटिंग में बिठाया, हमें पता है कि उसने इतने टाइम तक बाद अपना स्कैन करवाना है, इतने टाइम में इमेज आ भी जाएगा कि नहीं, ये ना हो कि एक्सक्रीट हुआ हो, 2 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया, आधे से ज्यादा कॉन्ट्रास्ट जो है वो उसकी किडनी में से एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, तो हाफ लाइफ आपको हर रेडियो आइसोटोप्स की भी पता होनी चाहिए, जब आप इंजेक्ट करोगे तो आपको ये पता है कि मगा स्कैन के अंदर जो आइसोटोप्स यूज हो रहे हैं उसका क्या हाफ लाइफ है, ताकि हम लोग जब स्कैन करें तो हमें हाफ लाइफ का पता हो, हर आइसोटोप की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी। ठीक है, अच्छा डोज क्या है, द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट फॉर द पीडियाट्रिक इज 2 ml/kg। ठीक है, सिटी के अंदर जो हम लोग कॉन्ट्रास्ट इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स दे रहे हैं बच्चों में, वो हम लोग उसकी डोज को कैसे कितना रखेंगे, वो हम लोग बच्चे का वेट के अकॉर्डिंगली 2 ml/kg। ठीक है, 1 किलो का है तो 2 ml, 2 किलो का 4 ml। ठीक है, इस तरह हम लोग उसको बढ़ाते जाते हैं, और स्टडी डिपेंडेंट है, वेट बेस्ड है, एंड स्टैंडर्ड डोज जो है 50 से 150 तक होनी चाहिए। फिर ये आयोडिनेटेड हो गए, देन हमारे पास बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन कौन से हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर पॉजिटिव एजेंट्स, हमें पता है कि नेगेटिव तो कम ही हम दे रहे हैं, सिर्फ उसकी अगर हम लोगों ने म्यूकोसल लाइनिंग को हाईलाइट करना हो देन हम लोग जो है उसके अंदर नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट भी जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज आर पॉजिटिव एजेंट डेट कंटेन 1-3%, किसका माइक ऑन है अपना माइक बंद कर दे, 1-3% बेरियम सल्फेट सस्पेंशन एंड स्पेशली फॉर्मुलेटेड। ठीक है, ये वो बच्चे होते हैं ना, वो लेक्चर सुन रहे होते हैं और ना इनको मैं बोलती रहूँ पता भी नहीं चलता, बस ऑन करके लेक्चर घर में सारे काम साथ साथ होते रहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज आर द पॉजिटिव एजेंट्स। ठीक है, फिर आ गया कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो कि हमारे एक्सरेज हैं, उसके अंदर एजेंट्स के नॉट सिंपली बी डाइल्यूटेड फॉर यूज इन सीटी बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू सेटल आफ्टर इंगेशन। ठीक है, जो हम बेरियम के दे रहे हैं आपको पता है ना, पिला रहे हैं उनको हम लोग, उसको इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं बेरियम के अंदर, हम वो सिटी के अंदर नहीं दे सकते। ठीक है, वो क्या है, वो सेटल्ड कर जाता है आपके जितने भी जीआई ट्रैक के अंदर सेटल्ड कर, तो सिटी के अंदर हम लोग इंट्रावेनस ही देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग ऑरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते। दिस टेंडेंसी लीड्स टू इररेगुलर ओपेसिफिकेशन ऑफ द बोवल, हायर डोज ऑफ ओरल कॉन्ट्रास्ट मटीरियल्स प्रोवाइड्स ग्रेटर बोवल ओपेसिफिकेशन। अब क्या है ओपेक, क्या क्या मतलब है, रेडियो ओपेक ब्राइट दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। ठीक है, तो ओपेसिफिकेशन बढ़ा रही है, डेट मीन्स उसके अंदर उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो बढ़ रहा है, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, तो ओपेसिफाइड या
ओपेक स्ट्रक्चर कौन से होंगे? व्हाइट स्ट्रक्चर. रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी के अंदर जो भी पूछा जाए, ओपेक स्ट्रक्चर, व्हाइट स्ट्रक्चर. व्हाट आर ओपेक स्ट्रक्चर ऑन एक्सरे? क्वेश्चन पूछूंगा आई बात के अंदर, आप बताओ. मैम बोन होती है. बेटा मैं किसी और से पूछ रही हूँ. हाँ जी, आप आपको कह रही हूँ. हाँ जी, मैं एग्जांपल समझो पूछती हूँ आपको. मैंने एक्सरे फिल्म दी है और आप मुझे बताओ चेस्ट एक्सरे के अंदर व्हाट आर द स्ट्रक्चर, रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स चेस्ट एक्सरे के अंदर. हाँ, चेस्ट के अंदर प्रॉपर बताया करो कौन सी बोन है. रिब्स हो गई चेस्ट एक्सरे के अंदर, रेडियो ओपेक बता रहे हो. और कौन सी? ठीक है, इसके अलावा ठीक है, स्टर्नम है सेंटर में. ठीक है, ये आपको जितनी बोन्स हैं वो रेडियो ओपेक नजर आ सकती हैं ऑन चेस्ट एक्सरे. ठीक, अच्छा, उसके अलावा रेडियो ओपेक हम लोग अगर कोई सिटी के अंदर, सिटी के अंदर कॉन्ट्रास्ट लगाया है, कॉन्ट्रास्ट दिया, इंट्रावेनस दिया. ठीक है, इंट्रावेनस तो कौन सा स्ट्रक्चर है रेडियो ओपेक को? चेस्ट एक्सरे के अंदर सिटी के ऊपर आपने कॉन्ट्रास्ट दिया है इंट्रावेनस इंजेक्ट किया, तो स्ट्रक्चर्स कौन सा है रेडियो ओपेक को? अब कॉन्ट्रास्ट वाली वेसल्स, सिर्फ लंग्स नहीं, लंग्स नहीं, लंग्स ब्लैक ही नजर आए जो उसका पैरन काम है. ठीक है, उसके अंदर वेसल्स जितनी भी है ना, उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट जाएगा तो वेसल्स. और अगर कोई उसके अंदर फॉरन कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हमें व्हाइट रेडियो ओपेक नजर आएगा. ठीक है, रेडियो पेसिफिकेशन या ओपेक स्ट्रक्चर वो होंगे जो व्हाइट होंगे. या तो आर्टिफिशियली हमने इनको व्हाइट किया है, ठीक है, उनकी ओपेसिफिकेशन बढ़ाई है, या फिर अगर नॉर्मली हम जनरली देखें बगैर कोई उसके कॉन्ट्रास्ट दिए हुए, तो स्ट्रक्चर कौन से हैं. ठीक है, इसी तरह मैं अल्ट्रासाउंड वालों से भी पूछती होती हूँ क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स दो रेडियो रेडियो कह रही हूँ, हाइपो इक्वेक स्ट्रक्चर की, एन इक्वेक स्ट्रक्चर की, आइसो इक्वेक स्ट्रक्चर की, एग्जाम्पल्स दिया करो. नॉर्मल स्ट्रक्चर की बता दो और एब नॉर्मल बता दो. एब नॉर्मल में आपको पता है ना हाइपर इक्वेक व्हाइट होते हैं, तो नॉर्मली हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स व्हाइट नजर आते हैं, तो बोन्स वगैरह. और पैथोलॉजी के अंदर हाइपर इक्वेक स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे हमारे पास? स्टोन्स हो गए, स्टोन, कोई फॉरन, कोई भी बुलेट वगैरह, कोई फॉरन ऑब्जेक्ट कह दो. ठीक है, किसी ने कोई चीज ऐसी खाली को बच्चा है, ठीक है, उसने पॉइंट, ठीक है, वो होता है ना छोटे बच्चे ज्यादातर पॉइंट जो है वो खा जाते होते हैं, ठीक है, वो हमें एक्सरे करवाओगे तो यहाँ उसके अंदर हमें व्हाइट नजर आएगा, कोई भी फॉरन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो वो हमारे पास, इसी तरह ये एक पैथोलॉजिकल हमारे पास एग्जांपल्स आ गए, कुछ हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल्स आ गए. इसी तरह एन इक्वेक हमारे पास नॉर्मल कौन से होते हैं बॉडी के अंदर? फ्लूइड नॉर्मल क्या है हमारे? ब्लड है मैम, यूरिन, यूरिन, ब्लड. इसके अलावा एबनॉर्मल एन इक्वेक स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे? सिस्ट हो गई, ठीक है, और मैम सिस्ट, 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 ठीक है, ठीक है, इंफेक्शन है वो फ्लूइड के साथ आपको डेब्रीज भी नजर आ रही है. ठीक है, तो आपको पैथोलॉजिकल उसकी विजुअलाइजेशन भी पता होनी चाहिए कि पैथोलॉजी के अंदर इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, नॉर्मली ऐसी चीजें. अच्छा, बेरियम सल्फेट शुड नॉट बी गिवन इफ परफोरेशन ऑफ द जीआई ट्रैक इज सस्पेक्टेड. पता है हमें कि वो उसकी पेरिटोनियल कैविटी या फिर चला गया तो उतना ही उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है. तो परफोरेशन अगर ऑलरेडी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कॉन्ट्रास्ट नहीं देंगे, वो क्या होगा उसमें से निकल जाएगा जहां पे परफोरेशन है. बेरियम लीकिंग इनटू द पेरिटोनियल कैविटी इज रेफर्ड टू एज अ बेरियम पेरिटोनाइटिस. उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है. द मॉर्टेलिटी रेट फ्रॉम दिस कॉम्प्लिकेशन इज सिग्निफिकेंट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ वाटर सॉल्युबल आयोडिनेटेड ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट व्हेनेवर परफोरेशन इज सस्पेक्टेड. अनदर वाइवा क्वेश्चन. ठीक है, अगर हम सस्पेक्ट करें परफोरेशन, ठीक है, तो हम लोग और जीआई ट्रैक के अंदर, जीआई ट्रैक में हमें पता है हम बेरियम सल्फेट ही दे रहे थे, बेरियम की स्टडीज है और हमने हमें पता है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर पहले परफोरेशन है, क्या हम देंगे उसको बेरियम सल्फेट? नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? नो मैम. क्या अगर नहीं दे रहे परफोरेशन का हमें पता है तो उसके क्या उसके और कौन सा हम दे सकते हैं? वाटर सोलेबल आयोडिनेटेड ओरल कॉन्ट्रास्ट, बेरियम नहीं फिर देंगे बेरियम सल्फेट. ठीक है, फिर हम लोग वाटर सॉल्युबल आयोडिनेटेड ओरल कॉन्ट्रास्ट जो है वो उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं. दिस इज अनदर वाइवा क्वेश्चन.
अच्छा दो स्लाइड जब रह गई हैं कंट्रास्ट रिएक्शंस के ऊपर कि अगर हमने कंट्रास्ट दिया है किसी बच्चे को या किसी बच्चों को खासतौर पे ये होता होता है कंट्रास्ट रिएक्शंस, ठीक है, या किसी बड़े को भी डिफरेंट मेडिसिन से भी रिएक्शंस हो जाता होता है, ठीक है, तो कंट्रास्ट से क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं. द मोस्ट सीरियस, इधर तो बंद हो गया, द मोस्ट सीरियस कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन एलर्जिक या कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी. इसमें क्या है, एलर्जिक रिएक्शन भी आगे टाइप्स हैं डिफरेंट, और कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी रीनल डैमेज आफ्टर इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एजेंट. ठीक है, क्यों रीनल नेफ्रोपैथी का इसके अंदर आप रिएक्शन कह रहे हो, क्योंकि सारा का सारा कॉन्ट्रास्ट एक्सक्रीट ही थ्रू जो किडनी से होना है, ठीक है, तो वो आपकी किडनी डैमेज कर सकता है. ठीक है, कोई भी पैथोलॉजी जो कि कॉन्ट्रास्ट की वजह से आई है उसके अंदर किडनी के अंदर, दैट इज कॉन्ट्रास्ट नेफ्रोपैथी. ठीक है, अच्छा एलर्जिक जो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हमने तीन में कैटेगराइज किया हुआ है. माइल्ड रिएक्शंस किसी को हो जाते हैं, किसी को जो है वो मॉडरेट होंगे, किसी को सिवियर होंगे. जो माइल्ड रिएक्शंस हो गए उसी वक्त अभी इंजेक्ट किया पेशेंट क्या करेगा, उसको कफ इचिंग या नेजल कंजेशन, ये उसके माइल्ड आपके पास समझ लो रिएक्शन है कॉन्ट्रास्ट के. अगर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दिया और इसके साथ प्रेजेंट किया तो हम कह सकते हैं इसको कोई ट्रीटमेंट में इस तरह की कोई जरूरत नहीं है. तो दिस इज द माइल्ड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन. मॉडरेट में क्या आ जाएगा, मॉडरेट में कौन कौन से हैं, डिज़निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, इसके अलावा वीजिंग, स्लाइट चेंजेस इन द पल्स या ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया या हाई हो गया, ठीक है, ये भी एक रिएक्शन है, ये मॉडरेट है. ठीक है, इसको अगर ज्यादा कम हो गया या ज्यादा तो हम लोग ट्रीट करेंगे, अदरवाइज मॉडरेट है तो मॉडरेट या तो ट्रीट किया जाता है या नहीं, तो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब कि कितना ब्लड प्रेशर जो है वो उसका रेज हुआ है या कितना उसका लो हो गया है, या इसके अलावा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है. कुछ कहते हैं बस सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, थोड़ा बहुत उसको डिफिकल्टी होती है, कुछ तो बिल्कुल ही मरने वाले हो जाते हैं, ठीक है, उसको फिर फॉरन एमरजेंसी के लिए किया जाता है बिकॉज इट्स एलर्जिक रिएक्शन, पेशेंट जो है वो एलर्जिक है. ठीक है, उससे सवेर में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वही मरने वाला पेशेंट, बिल्कुल उसको सांस लेने में इधर कॉन्ट्रास्ट लगा साथ ही कुछ होने लग गया उसको, तो इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, फॉरन कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट. तो इसीलिए जो है वो पहले हम लोग टेस्ट करवाते होते हैं, उसका कोई एक टेस्ट होता है ताकि उससे पता चल जाए कि इसको किसी कॉन्ट्रास्ट, जब भी कॉन्ट्रास्ट का कभी भी आपने प्रोसीजर करना है तो उससे आपको ये बताओ कि पेशेंट एलर्जिक तो नहीं है कॉन्ट्रास्ट से. या उससे पहले हम लोग पूछते होते हैं कि आप सिंपल उससे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लो ना कि आप किसी मेडिसिन से एलर्जिक तो नहीं, उससे ही पता चल जाएगा अगर वो किसी मेडिसिन से एलर्जिक होगा, डैट मीन्स फिर उसका टेस्ट करवाया जाता है कि कॉन्ट्रास्ट से वो जरूर एलर्जिक होगा. ठीक है, अगर वो कह रहा है नहीं मुझे आज तक किसी मेडिसिन से कुछ नहीं हुआ तो कोई नहीं, वो आप कर लो उससे खैर होती है. तो तीन कैटेगरी में हम लोगों ने एलर्जिक रिएक्शन को डिवाइड किया हुआ, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. और सीवियर के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अरिथमिया सच एज ब्रैडीकार्डिया. ब्रैडीकार्डिया क्या होता है, लेस देन, और टैकीकार्डिया कितना, ठीक है, सीजर्स, उसको शिवरिंग या फिर उसको क्या झटके लगना शुरू, शॉक में चला गया, एंड कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ये सारी जो है वो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस है कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट खत्म हो गया. अब इसके बाद कितने रह गए, 16, चार लेक्चर हो रहे हैं. मैम हमारा मिड्स में कितना सिलेबस है, मिड का सिलेबस मैं आपको, अच्छा वो भी मैं आपको बता दूंगी, अपनी प्लीज अनाउंसमेंट्स देखा करो एलएमएस के ऊपर. कुछ भी हो, बच्चे मुझे अलग अलग से ईमेल्स कर रहे होते हैं, अलग अलग से मैसेज कर रहे होते हैं कि ये बता दें वो बता दें. कोई भी अनाउंसमेंट होगी और कंफर्म अनाउंसमेंट जब हो जाएगी, कंफर्म न्यूज हो जाएगी कि इससे जब तक ये है आपका, तो मैं अभी डेट शीट 5 का भी, 5 का है ना अभी, आप लोगों को ये भी नहीं पता कि कब से आपके एग्जाम है. ठीक है, वो सब कुछ जो भी आपका है ना वो मैं आपको, अभी तक मैंने असाइनमेंट आपको दिया, असाइनमेंट मैंने सबमिशन का नहीं बताया. ठीक है, वो मैंने आपको कहा था मैं आपको बता दूंगी. आप लोगों ने एलएमएस के ऊपर मुझे जो है सारों ने, कोई मुझे ईमेल ना करे, अभी भी ईमेल्स मैमोग्राफी की आ रही हैं 2-3 की, मैंने असाइनमेंट सबमिट करा दिया. मैं ईमेल्स पे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसने असाइनमेंट अगर मुझे सेंड कर दी हुई है ईमेल पे वो एलएमएस पे आए. आज मैं जो है उसके ऊपर टाइम, और उसका 1 वीक का, आज क्या है, फ्राइडे है ना, मैंने आपको ट्यूसडे का टाइम दिया था, मैंने लास्ट ट्यूसडे को आपको असाइनमेंट का बताया था और मैंने कहा था ट्यूसडे तक, आपने जो अपकमिंग ट्यूसडे है उसकी रात तक मैं उसका टाइम डाल दूंगी, उस वक्त तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट करा दो.
ठीक है, उसके बाद वो खुद ही क्लोज हो जाएगा, उसके बाद वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा असाइनमेंट आपका। ठीक है, एलएमएस के ऊपर मैं आज डाल दूंगी टाइमिंग उसकी। सबने मुझे अपनी मेमोग्राफी, रीजनल, मस्कुलोस्केलेटल, जिसके भी जो बच्चे हैं, अपनी असाइनमेंट एलएमएस के ऊपर ही मुझे सबमिट करवानी है, और विद इन जो भी टाइम में आपको बताऊंगी उस टाइम के अंदर ही, उसके बाद मुझे कोई ना भेजे और ना ही मुझे कोई अपना इसमें ईमेल्स करे असाइनमेंट्स का। ठीक है, और बाकी प्लीज अनाउंसमेंट्स को हफ्ते बाद देख लिया करो। मैं भी फिर भी अनाउंसमेंट नहीं कर रही होती, कोई अगर इवन लेक्चर भी कैंसिल हो गया, कुछ भी है, कोई भी न्यूज है, एक दफा जो है ना रात को सोने से पहले अपनी अनाउंसमेंट्स देख लिया करो। ठीक है, कि कोई कोई न्यूज उसमें आ रहा, मैं नहीं ईमेल कर रही हूँ, किसी की ईमेल आईडी नहीं है मेरे पास जो ग्रुप बनाया हुआ है किसी की, तो अनाउंसमेंट्स में तो सब जा सकते हैं ना आपने, तो वो जरूर देखा करो। ठीक है, और प्लीज ईमेल्स करते हो तो इंग्लिश में किया करो, मुझे नहीं समझ आती बच्चे क्या ईमेल्स करते हैं, इस बात पर सर जो है इतना खफा होते हैं कि जिनकी ईमेल्स इस तरह है ना उनको तो आप पढ़ा भी ना करो। आप लोग यूं ही अभी तक इतने ग्रेजुएटेड हो, इतने बड़े हो गए हो, आप लोगों को ईमेल्स नहीं लिखनी आ रही होती, और उसके अंदर बच्चे जो है इस तरह मैसेज करते हैं जिस तरह वो एसएमएस के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो, मैम ये बता दें, ये हो गया, वो हो गया, उर्दू की में पूरी कहानियां लिखी होती हैं। ईमेल्स थोड़ी, ईमेल्स का क्या मतलब होता है, तो प्रोफेशनल आप लोग हो, आप लोगों ने कल को अपनी फील्ड में जाना है, वहां पे भी प्रोफेशनल ईमेल्स करनी है, डिपार्टमेंट्स को इधर इधर ईमेल्स कर रहे हो, उसमें भी उर्दू में लिखा होगा कि ये हो गया वो हो गया हमारे डिपार्टमेंट में, तो प्रोफेशनल बनो, अभी से आदत डालोगे, अभी से नहीं लिखनी आती तो थोड़ी सी अपनी वोकैबुलरी अच्छी करने की कोशिश करो। ठीक है, वो जैसे भी लिखते हो लेकिन इंग्लिश में लिखा करो। ठीक है, तो इस बात पे आपको पता है हर चीज हमारे डिपार्टमेंट में डिस्कस की जाती है, हर बच्चे की ईमेल डिस्कस की जाती होती है जब हमारे सारे टीचर्स बैठते होते हैं, जिसका जो मसला होता है फिर हम सर से डिस्कस करते हैं कि ये इसका ये मसला, इसको क्या करेंगे, ये वो, फिर सर इतनी बातें उसमें होती हैं कि ये बच्चों को ईमेल्स ही नहीं लिखना आती, बच्चे उर्दू में ईमेल्स कर रहे होते हैं और इस तरह समझ रहे होते हैं टीचर्स को, जिस तरह फ्रेंड को मैसेज नहीं करते। छोटी छोटी बात नहीं, मैम आज क्लास का होनी है, ईमेल की हुई है। ठीक है, जब भी कोई भी चीज चेंज होती है या कुछ भी अनाउंसमेंट होती है, कुछ भी होता है, वो मैं आपको अनाउंसमेंट में कर दिया करूंगी, आपको देख लिया करो अगर कोई वाकई कंफर्म न्यूज हो जाती है। ठीक है, वो अटेंडेंस आप लोग सारे अटेंडेंस लगा के मुझे जो रीजनल वाले बच्चे हैं उनको दे देना, मैं उसमें ले लूंगी। ठीक है, अभी ये साथ लगा लो, और उसके बाद बच्चों मीटिंग खत्म हो गई है, घर जाओ।